जिनकी वजह से कई जिंदगियां मुस्कुराती थी, आज उनके न होने से पूरा देश रो रहा है। हम सबकी हवा हवाई गर्ल, हम सबकी चांदनी आज आसमान में तारों के बीच खो गई। बॉलीवुड जगत की पहली लेडी सुपरस्टार और साथ ही बॉलीवुड की लेडी अमिताभ बच्चन श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं रही। रही तो उनकी बेहतरीन अभिनय, उनकी शोक अदाएं। जब हमने अपने दोस्तों से टीवी पे अचानक से ये सुना कि श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं रही, तो मानो जिंदगी थम सी गई। हमें आश्चर्य हुआ, हमें विश्वास भी नहीं हुआ कि श्रीदेवी नहीं रही। इतनी फिट, इतनी खूबसूरत, जो खुद का ख्याल रखती थी, उन्हें अचानक ऐसा क्या हो गया? हम सदमे में आ गए, हमें अब भी विश्वास नहीं हो रहा। ज़रा आप ये सोचिए कि जो उस पार्टी में श्रीदेवी के साथ थी, जिन्होंने श्रीदेवी के साथ वो लास्ट क्षण बिताए, वो अंतिम क्षण बिताए जो श्रीदेवी की यादगार लम्हे हैं, जिन्होंने श्रीदेवी से बातें की, जिन्होंने श्रीदेवी के बिहेवियर को देखा, जिन्होंने श्रीदेवी को अपने आंखों के सामने देखा और वो एक दिन के बाद सुनती हैं कि श्रीदेवी नहीं रही, तो उन्हें कैसा लगा होगा? ये इंटरव्यू लेने का मात्र मकसद ये है कि जिस पल को हम सभी जानना चाहते हैं, वो आखिरी पल जब श्रीदेवी दुबई में थी, एक पार्टी में शामिल हुई, अपने फैमिली के साथ गई थी, एंजॉय कर रही थी और मीडिया पे हमने देखा कि वो वीडियो में डांस भी कर रही थी, फिर श्रीदेवी अचानक से हम सभी से बहुत दूर चली गई। लेकिन वो जो आखिरी क्षण थे, उस आखिरी क्षण में झारखंड रांची की गार्गी मंजू मैम, जो सीनियर सेकेंडरी टेंडर हार्ट स्कूल की प्रिंसिपल है, उस क्षण में उनके साथ शामिल थी, उस पार्टी में उनके साथ शामिल थी और अभी हमारे साथ मैम है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप ठीक बोल रहे हैं कि मैं अभी यहाँ से 17 तारीख को दुबई गई थी। मेरी एक सहेली की बेटी की शादी थी, अंतरा भावना मोतीवाला, जो टीना मुनीम की बहन है, उनकी बेटी की शादी में मैं दुबई अटेंड करने के लिए गई थी और वहाँ पर बहुत सारे फिल्मी सितारे, क्योंकि जो लड़का मोहित मारवा, वो अनिल कपूर की बहन का बेटा है जी, फिल्मी फैमिली रही, तो बहुत सारे फिल्मी लोग आए थे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे जी, आज पूरा देश अस्तब्ध है, एक ऐसी खबर आई जहाँ पे हवा हवाई गर्ल अब हमारे बीच में नहीं है। आप उस पार्टी में शामिल थी, जब आप पहली बार सुनी श्रीदेवी नहीं रही, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा। सुबह सुबह मुझे पहली न्यूज़ यही मिली कि श्रीदेवी शी इज़ नो मोर। मुझे विश्वास नहीं हुआ। दोबारा जब मैंने पूछा कि क्या हुआ, जब पता चला कि सच में उनकी मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया है, तो मेरी आंखें खुद ही रोने लग गई। बहुत ख़राब लगा, क्योंकि मैं अभी तारी ताजिन से मिलकर आई थी जी, मन में सारी बातें एकदम पूरी फिर से आने लगी, कैसे हम लोग मिले, कैसे देखा, वो कैसी लग रही थी, कितनी एक्टिव थी, सारी बातें एकदम एक चलचित्र की तरह दिमाग आंखों के सामने आ गई जी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, स्टारडम जब होता है तो लोग कहते हैं कि वो चेहरे पे नजर आता है, लोग थोड़े गुमान में होते हैं। श्रीदेवी को जब आपने देखा तो कैसा लगा, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई स्टारडम नहीं था, बहुत सिंपल, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत महिला, लंबी सी, बड़ी तीखी तीखी सी आवाज़, बड़ी मधुर। मेरा बेटा साथ था, मेरे बेटे को जरा क्रेज है हीरो हीरोइंस का, उसने एक फोटो लेनी चाहिए। अच्छा, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, बनकर श्रीदेवी मेरे बेटे को एक फोटो आपके साथ चाहिए, बड़ी टूटी फूटी हिंदी और दक्षिण भाषा में उन्होंने बोला, फोटो चाहिए, फोटो लीजिए, आइए। तो मेरा बेटा गया और उसने एक सेल्फी ली, बड़ी मुस्कुरा के सेल्फी दी और वो बेटा क्या थैंक यू बोलता है, वो थैंक यू बोल रही थी, बहुत स्माइलिंग फेस, बहुत अच्छा लगा। उनकी बेटी भी बड़ी प्यारी, वो भी बड़ी प्यारी, तो वहाँ पर बहुत फिल्मी हस्तियाँ थी दोनों साइड से ही, एंड जैसे अमिताभ बच्चन थे वहाँ पर, अनिल कपूर थे, संजय कपूर थे, अर्जुन कपूर थे, जया बच्चन थी, करण जौहर थे, बहुत सारे लोग, कुणाल थे, बहुत सारे, बहुत फिल्मी हस्तियाँ थी जी। क्या कुछ वहाँ पे देखा, वो पल हमारे साथ आप शेयर करें जब पार्टी में श्रीदेवी भी आपके साथ शामिल थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो फिल्म लाइन में थी,
पर वो उन्होंने ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताया, वो ज्यादा बोनी कपूर के साथ थी, अपनी बेटी के साथ मस्त थी, उनको लग रहा था कि उस दुनिया में वो एक अलग इंजॉयमेंट है उनका, वो नाच रही थी, वो मस्ती कर रही थी, बहुत अच्छी, लेकिन फिर भी डिग्निटी बहुत थी उनके अंदर जी, कैसे खुद को चलाना है, कैसे रहना है, एक अलग रूप था। कहीं भी उनको देखकर ऐसा लगा कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, वो ठीक नहीं है? नहीं, मुझे तो बड़ी सुंदर लग रही थी वो, कहीं से तबीयत तो खराब नहीं लग रही थी, क्योंकि जिस दिन मैं आई हूँ उसके एक रात पहले वहाँ पर पंजाबी सिंगर्स आए हुए थे, रंधावा, बादशाह वगैरह, एंड उस म्यूजिक पर खूब डांस कर रही थी जी, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था। हम इसलिए बहुत ध्यान से देख रहे थे कि मेरे बेटा भी वहाँ पे डांस कर रहा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो इस वातावरण में बेटे को बहुत अच्छा लगता है, वो आया है और बहुत मस्त होकर डांस कर रही थी। और लोगों से मिलना, बातें करना, और मुझे लगता है कि जो एक वीडियो वायरल हुआ है अभी मीडिया में, तो उसमें काफी एंजॉय करते हुए वो नजर आई हैं। नहीं, वो एंजॉय कर रही थी, हर मोमेंट एंजॉय कर रही थी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर समय को, हर पल को वो एंजॉय कर रही थी। एंड कपड़े भी जो उन्होंने पहने थे बहुत सुंदर सुंदर वेशभूषाएं, एकदम क्वीन की तरह लग रही थी जी, मतलब सच में वो क्वीन थी। काश हम भी श्रीदेवी से मिल सकते, उनकी शोक अदाओं को करीब से देख सकते, उनसे बातें कर सकते, लेकिन हमारे लिए ये सपना था और अब सपना रह गया। लेकिन आप करीब से देख कर आ रही हैं, आप उस आखिरी पल में उनके साथ थी, जो मुझे लगता है कि अब हम सब के साथ वो आखिरी पल के जो नज़ारे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। तो आप कैसा महसूस करती हैं उनके बारे में सोचकर, उनकी फिल्मों को याद कर, उनके लिए अगर कुछ कहना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहूँगी कि वो बस एक पल नहीं देख पाएंगी, जो उनकी बेटी की पिक्चर रिलीज होने वाली थी, कि बेटी की पिक्चर बहुत चले, कि वहाँ पर उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ईश्वर ये शक्ति दे कि वे इस दुख को सह पाए और उनकी आत्मा को शांति मिले। वो तो एक अमर हैं जी और अमर रहेंगी, एंड हम लोग को सारी जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सबको ये पता चल रहा है कि कितना वो काम करती थी, कितनी मेहनती थी, कितनी सरल थी, परिवार से जुड़ी हुई थी, जो कि बहुत मुश्किल काम है एक काम करने वाली महिला के लिए। आप पार्टी में कितने दिन शामिल रहीं और वो कब आए, वो कितने दिन वहाँ पे शामिल हुई? मैं 17 को पहुँची हूँ, मैं वहाँ पर पार्टी में मैं पहुँची हूँ 18 को जी, वो 18 को, वो भी एक ही समय हम लोग पहुँचे हैं जी, 18 को करीब 4-5 बजे हम लोग सब पहुँचे होटल में जी। तो दो दिन से 3 दिन करीब आप सभी एक पार्टी में शामिल रहे, हर फंक्शन में मिल रहे थे जी, फंक्शन। कब आपको ये न्यूज़ मिली श्रीदेवी अब नहीं रही? मुझे कल ही मिली, कल की बात है, सुबह सुबह बस बिस्तर से आंखें खुली और न्यूज़ देखी है, और पहले तो सुनी, हमारे डॉक्टर साहब से पता चली और फिर हमने न्यूज़ देखा, बहुत खराब लगा। जानना चाहेंगे, आप उस पार्टी में शामिल थी, आपने बताया कि आप 3 से 4 दिन वहाँ पर थी, क्या उन 4 दिनों के दौरान में आपको एक बार भी ऐसा लगा, जैसे और लोगों के शौक होते हैं, जब एक स्टारडम होता है, पैसे होते हैं, एक लोगों के बीच पहचान होती है, तो बहुत सारे शौक भी होते हैं, कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंकिंग करता है, कुछ और भी आदतें होती हैं, क्या श्रीदेवी में ऐसी कोई चीज़ें आपको नज़र आई? नहीं कमलेश, मैंने तो ऐसा कुछ देखा, मैं उन्हें बड़ा नॉर्मल पा रही थी, बिल्कुल फैमिली से जुड़ी हुई, मैंने देखा ही नहीं कि उन्होंने स्मोक किया हो या ड्रिंक्स ली हो, मुझे बड़ी सिंपल और अच्छी महिला, और दूसरी बात कि बहुत यंग लग रही थी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि 54 साल की है जी, वो ऐसा है तो 29-30 साल की कोई लड़की हो, पतली दुबली लंबी सी, मतलब कहीं से भी मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगी, बल्कि बहुत अच्छा लगा मिलते कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। आप कुछ जब हम बातें कर रहे थे तो आपने बताया कि वो राजस्थानी कोई चाय का स्टॉल था, तो हाँ वहाँ पे एक चाय का हमाम लेकर एक आदमी थे, वो सबको चाय दे रहे थे जिसमें शादी चल रही थी, एंड उन्होंने अपनी मेरे पीछे ही वो बैठी हुई थी सीट पर, उन्होंने इच्छा जाहिर की चाय पीनी है, तुरंत बोनी कपूर उनके लिए चाय लाए, वो भी साथ साथ चली गई और चुस्की लेके चाय पी रही थी, लग रहा था कि कितनी सिंप्लिसिटी है लोग के अंदर, बहुत ही सादगी है, और ये सच में ये प्रशंसनीय है। अभिनय और जिंदगी का एक ऐसा तोहफा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, और जब श्रीदेवी जैसे कलाकार की बात करते हैं तो जहन में उनकी मीठी यादें, उनकी मुस्कुराहट, उनकी शोक अदाएं हमेशा काबिज रहती हैं,
और उनकी वो मुस्कुराहट जिसकी वजह से उनके फैंस दीवाने थे। एक वक्त ऐसा था कि जब फिल्में आती थी, उनके लिए ऑफर आती थी, और अगर फिल्मों में कोई ऐसा सीन होता था जहाँ पे श्रीदेवी को मरने का रोल करना होता था, तो उस वक्त में प्रोड्यूसर्स जो होते थे वो डर जाते थे, डायरेक्टर डर जाते थे कि अगर श्रीदेवी को हमने सीन में मरा हुआ दिखा दिया तो उनके फैंस गुस्सा हो जाएंगे। वो थी श्रीदेवी, अभी हमारे साथ टेंडर हट स्कूल रांची के प्रिंसिपल गार्गी मैम है, उनसे जान रहे हैं उस पल के बारे में, उस आखिरी पल के बारे में जो श्रीदेवी की जिंदगी की आखिरी पल थी, उस पल में मैम उनके साथ थी। मैम आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई एक मैसेज, क्योंकि दिल जो होता है ना, हम सिर्फ यादों के सहारे जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना ये चाहूँगी कि बहुत बड़े बड़े काम करने के बाद, बहुत ऊँचे जाने के बाद भी कोई बहुत सादगी से रह सकता है। उन्हें अभिमान नहीं था, और हमें भी ये चाहिए, जबकि मैं एक प्रिंसिपल हूँ, मैं एक पोस्ट पर हूँ, काम कर रही हूँ, चाहे जितना भी ऊंचा चला जाए आदमी, अपनी गरिमा को रखें और कहीं भी अभिमान न रखें, सादगी से रहें और जिंदगी भर काम करता है। मैम अभिनय की बात कर रहे हैं, वो अमीर छाप आज हमारे दिलों में श्रीदेवी छोड़कर चली गई हैं, उनके लिए आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे, उन्हें अपने तरीके से याद करना चाहेंगे? मेरे हाथों आज ही गाने तो हम गा रहे हैं, हर शादी में ही गाना गाया जाता है, हर उत्सव में गाया जाता है, लेकिन वह चरित्र हमारे साथ आज नहीं है, मन बड़ा भारी। थैंक यू सो मच मैम, आपने उन पलों को हमारे साथ साझा किया जिसे आज पूरा देश जानना चाहता था, और हम तो बस इतना ही कहेंगे, आज श्रीदेवी हम सबकी हवा हवाई गर्ल हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी मीठी यादें, बेहतरीन अदाकारी हमेशा हमारे साथ रहेंगी। फुकरे स्टाइल टीम की तरफ से श्रीदेवी को सच्ची श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि। La 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 la